नमस्कार दोस्तों, तो बात करेंगे 24 जुलाई 2021 के राजस्थान के मौसम के बारे में। तो सबसे पहले बात करें तो राजस्थान के अंदर जो बंगाल की खाड़ी के अंदर सिस्टम बना था, उसकी वजह से जो बारिश की गतिविधियां हैं ये आपको जो है वो मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान के अंदर जो है वो उत्तर से लेकर दक्षिणी जिलों तक जो है वो देखने को मिल सकती है। जिसके अंतर्गत बात करें तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर, चूरू जिले के अंदर, झुंझुनू, सीकर, इन जिलों के अंदर जो है वो हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है। जबकि जयपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, इन जिलों के अंदर काफ़ी तेज़ बारिश की गतिविधियां आगे आने वाले लगभग 24 घंटों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। नागौर जिले के अंदर भी ठीक ठाक बारिश का अनुमान लगाया गया है। जबकि हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर भी बारिश की गतिविधियां आपको जो देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अरावली रेंज के कुछ और जिलों के अंदर यानी अजमेर जिले के अंदर, भीलवाड़ा जिले के अंदर, पाली जिले के अंदर और इसके साथ साथ में बात करें तो जोधपुर के भी पूर्वी इलाकों तक इसका जो असर है वो देखने को मिल सकता है। यानी इन जिलों के अंदर भी जो बारिश का अनुमान है वो लगाया गया है। साथ ही साथ अरब सागर की शाखा से भी आने वाली नमी वाली हवाओं की वजह से बात करें तो यहाँ पर जो है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, इसके साथ साथ में जो है वो जोधपुर के भी पश्चिमी इलाकों के अंदर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर देखने को मिल सकती है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा के अंदर भी जो है वो हल्की से मध्यम बारिश का जो अनुमान है वो लगाया गया है। इसके साथ साथ में बात करें तो जैसलमेर के भी कुछ इलाकों के अंदर हल्की बारिश की उम्मीद है। जबकि बीकानेर जिले के अंदर भी हल्की बारिश का जो अनुमान है वो लगाया गया है। लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो जालौर, सिरोही, इसके साथ साथ में जो है कुछ बाड़मेर और जोधपुर जिले के इलाकों के अंदर अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। राजसमंद के अंदर भी कुछ स्थानों के ऊपर जो है वो तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिल सकती है। उत्तरी राजस्थान के अंदर बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हनुमानगढ़ के अंदर बारिश का अनुमान है। जबकि गंगानगर के भी कुछ इलाकों के अंदर जो है वो आज रात से ही जो है वो बादलों की आवाजाही शुरू हो सकती है और हल्की से मध्यम चितराई बारिश की गतिविधियां यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। बीकानेर जिले के अंदर भी बात करें तो 24 और 25 तारीख को ठीक ठाक बारिश का जो अनुमान है वो लगाया गया है। यानी ओवरऑल बात करें तो आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर यानी 24-25 तारीख को राजस्थान के अधिकतर जिलों के अंदर जो बारिश का अनुमान है वो लगाया गया है। उम्मीद करूँगा कि आपको जो अपडेट दी गई है आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।